and his diet plan was attractive. और नॉर्मली जंगल में जो होता है कि लायन आया और अटैक करता है क्रोकोडाइल पे, जो भी एलिगेटर के साथ, तो वो था सीन अच्छा एस्टेब्लिश था, अच्छा लग रहा था। क्रोकोडाइल का भी जो मूवमेंट था वो अच्छे से एंजल कर रहा था। और दूसरा, जो वो जंगल में आग लग गया था जो म्यूजिक के सेंसर में पता चल रहा था, बट इन लोगों का जो था आग लगने के बाद जो अवेयरनेस जो इन लोगों में तरफ थी, छटपटा थी, वो दिख रहा था, एंड फाइनली सब मर जाते हैं। जैसे लोग मरते हैं वो सारा चीज दिख रहा था साफ साफ क्लियर, म्यूजिक के व्यू से भी और एक्टिंग के व्यू से भी दिख रहा था। फर्स्ट ग्रुप की स्टोरी के बारे में बात कर। नरेश का पता नहीं चला। कौन किनका पता नहीं चला? नरेश का नरेश की जो जैगवार इनके जो जैगवार इनका नाम से भी है इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, ओके। और कोई कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट स्टोरी के बारे में? कोई क्रिटिसिज्म है क्या? अच्छा नहीं लगा? थोड़ी सी जो फायर जो जब लगी जंगल में, जैसे आग लगता है तो इतनी जल्दी मरते नहीं है, थोड़ा सा वो चाहिए था। कुछ जले भी हो जाते हैं, कुछ भागते भी हैं और कुछ जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो स्ट्रगल नहीं दिखा, वो स्ट्रगल दिखना चाहिए, मरने का डर को लाना चाहिए। तो इन्होंने जब ये बोला है यानी कि ऑडियंस की 10% को ऐसा लग रहा है। एनीवन एल्स कुछ भी कहना चाहेंगे फर्स्ट स्टोरी के बारे में? क्योंकि आफ्टर दैट दे विल टेल अस समथिंग अबाउट देयर ओन स्टोरी। आप बताइए कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू टेल देम। जानवर एक दूसरे को खाते हैं लेकिन ऐसे टाइम पे वो अपने जान बचाने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे ऐसा इंसिडेंट हुआ और ईगल भी मर रहा था। जो बोला कुछ आपका काउंटर लॉजिक है तो प्लीज बताइए। अब उधर राजवाहिनी जो बोला कि मतलब कुछ मरते भी नहीं है, हाथ का वही रोल था, आपने स्टॉप बोला तब जाके मतलब लेट गया, तब तक मैं मतलब उसका स्ट्रगल। हाँ, उसका कहना है इन्होंने कोशिश करी है। ठीक है, फाइन। और मैम फायर जो था जो हाँ। मैं बोल रहे हैं बात सही है, पर ये जो रेड कर्टेन से उसमें मैं फिर एक और आई थिंक नरेश और वन भी उधर जा रहे थे, उधर पे आगे जगह नहीं मिल रही थी मुझे नहीं, कि ऑलरेडी वहां पे रेड कर्टेन मतलब उधर भी ऑलरेडी फायर लग चुकी है, एक छोटा सा एक सराउंड हो गए थे हम सब एनिमल्स, और फायर में हीट के अलावा और उसके अलावा धीरे धीरे आप लोगों ने जो स्टोरी सोचा था और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा
Are you all happy with that? और जो चाह रहे थे और जैसा चाह रहे थे वैसा इस चीज में छूट गया ऐसा कुछ लगता है? Story was very clear, उसमें कुछ इशू नहीं है, थोड़ा सा लगा, हाँ ऐसा लगा, क्या लगा? बेटर कर सकते थे, क्या बेटर कर सकते? मेरा मरने का मतलब ईगल का मरने का सीन नहीं था, पर वो चेयर पे चढ़ने का था, वो तो हमने पहले चेयर पर के ये था कि चेयर पे चढ़ के बस रहेगा, पर चेयर तो सामने था कि वो चलता, वो अलग व्यू होता, इसलिए फिर मैं राखी हुई था। तो क्या ऐसा नहीं लगा एक बार भी बाद में, ऐसा नहीं लगा कि चेयर का पोजीशनिंग अलग करना चाहिए था, मे बी इंस्टीट ऑफ चेयर चीज लाना चाहिए था, डिटेलिंग में क्योंकि ईगल मर नहीं सकता, वो पार कर जाएगा, और हमें वो भी लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया, बढ़ा सकते हैं उसको। सीधी सी बात है, करो या मरो, डू और डाई वाला सिचुएशन है, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, सबसे बेहतरीन चीज है। तो जो प्लान करना है, जो आपका आइडियोलॉजीज है, वो सब पहले सोचो, आओ। लोग ये सुनने वाले नहीं है, आपके पास कितना समय कम मिला था और आपको टाइम नहीं हुआ, आपका म्यूजिक ऐसा गड़बड़ हो गया, नो। तो आपको द शो मस्ट गो ऑन, वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो आगे से देखिए, एक छोटी सी म्यूजिक जो कि बाहरी कहीं से यूटिलाइज किया गया, दैट वाज अ थर्ड थिंग इन दैट एक्ट, लेकिन वो अगर प्लान होता तो क्या इस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट और बेहतर नहीं होता, और बेहतर होता। ये जो चीजें हैं आप लोग प्लीज अभी से सभी लोग मौजूद लोग, आपने देखा क्या होता है, इन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एनिमल मूवमेंट करते हुए क्या लगा अभी बताइए, इसमें कोई डायलॉग नहीं था, ओनली साउंड और म्यूजिक था, कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत हुई? कुछ भी दिक्कत नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डायलॉग है नहीं है ये मायने नहीं रखता, अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज ऑलरेडी ठीक है। थैंक यू, आप सभी लोगों ने अपना अपना जो रोल है उसको ठीक से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो एनिमल वाला जो सिचुएशन है, तो एनिमल है टाइगर है, वो डाउट आना लाजमी है, वो और डिटेल में काम करेंगे तो काम कर पाएंगे। आप प्रोटोटाइप के लिए बहुत अच्छा से आपने मूवमेंट ऑब्जर्व किया, आई मस्ट से दैट बहुत अच्छा था। ईगल के लिए थोड़ा हाइट और लेवल आप अगर यूज और कर पाते तो ऑब्वियसली वो देखने में अच्छा लगता, क्योंकि ईगल को हम लोग वाइज एनिमल मानते हैं, राइट? उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपना अपना जो रोल है उसके बारे में और डिटेल में जब आप सोचेंगे, आगे जब भी सोचेंगे आप, तो आपको और भी एक्टिविटीज समझ में आएंगे। फाइन।